इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री नारायण राणे एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि भाजपा ने प्लानिंग कर इसका आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, उद्योग जगत के भी लोग शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय किए हैं, आज जो मॉडल मध्य प्रदेश का देश में प्रसिद्ध है, वह अनुभव करते हुए जब देश को महासत्ता बनाना है या आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा है, यदि इंडस्ट्री उत्पादन बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी और PDP एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो हमें दूसरे क्रमांक में आने में आसानी होगी, और उसे आसान करने के लिए मध्य प्रदेश के उद्योग जगत में योगदान देना चाहिए। वहीं उद्योग संबंधित चर्चाओं के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी मीडिया के सवालों के जवाब दिए और कहा कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार और भाजपा की तारीफ करते हुए सरकार की योजनाओं को जनहित की योजना बताया। कांग्रेस के पास नेता नहीं है तो दूसरा क्या बोलेंगे, और नेता है वो बिन काम का है, राहुल भी आएगा तो कुछ काम का नहीं है। ये देश के लोगों की क्या समस्या राहुल गांधी जानता है। चला अभी हम जो बोले ऐसे मंच पे आए कि चलो पर कैपिटल इनकम बढ़ाना है, तो किस रास्ते से बढ़ाएंगे? 2030 में हमारा पर कैपिटल इनकम क्या था और आज 20 साल के बाद जो बढ़ा है 125 करोड़ तक हो गया, वो किस लिए, कैसा हो गया काम करने से? तो कांग्रेस के राजनीति में बोलने के सिवा कुछ नहीं, खाली बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, हमारे पास नेता इतने हैं तो उनको हम बोलते जाओ मध्य प्रदेश में जाके, पार्टी ने जो अच्छा काम मोदी जी ने किया, जो योजना मोदी जी ने लाई है, वो लोगों तक पहुँचा, हमारा फर्ज है। उल्टा हम सब जान को चांस देना चाहते हैं, नए नए लोग आए, वो पूरे लोगों की समस्या जाने, लोगों तक जाके अपने भाजपा की आइडियोलॉजी बताए, ये तो पार्टी करेंगे ही ना प्रयास। हमारे पास है यंत्रणा, है हमारे पास सिस्टम, है आइडियोलॉजी, है वो आइडियोलॉजी की क्या गठबंधन है, इंडिया की गठबंधन है। और गठबंधन में मैं देखा कल कि गठबंधन में जो है, जैसा बिहार के नेता जन है सब, ये देश में सबसे पर कैपिटल इनकम 44,000 किसका है, तो बिहार का है, उनका अनुकरण करना है। तो कौन नेता उनमें है वो सरकार चलाने में सक्सेसफुल हुए अभी तक, मगर कांग्रेस में नेता नहीं, ना जनता दल, कौन से पार्टी में है बताओ, क्या शिवसेना का, उसको क्या समझ में नहीं आता, गाली देने भी कर कुछ नहीं आता उद्धव ठाकरे को, वो खोखा और गाली, इसके सिवा कोई बाहर जाता ही नहीं है। तो पारित बोलेगा तो चलो, ऐसे नहीं, पारित करना और मंजूर करना दो अलग बात है, और दूसरी बात कि हाउस में मंजूर किया तो कानून वो दिन से चालू होता है, ऐसा नहीं है, प्रोसेस है उसके लिए, प्रोसेस है, अलग अलग डिमांड प्रोसेस करने को जो वक्त लगने वाला, और उसके लिए जो वक्त लगे, हम कुछ दिक्कत लेट नहीं कर रहे, मगर जो प्रोसेस है लोकशाही में, जो कानून की व्यवस्था के मुताबिक वक्त लगने वाला है उतना ही लगेगा, हम लोग डिले नहीं कर रहे। लेकिन OBC महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, ये जो आरक्षण है सबके सब जाति के लिए, पर्टिकुलर एक एक जात को ऐसा आरक्षण देने का प्रोविजन अभी नहीं है। अभी कांग्रेस को कुछ तो बहाना चाहिए, किस कहा ना कहा तो उंगली बताना है, तो उनको बोलना कि उनकी सत्ता थी ना 67 साल, क्यों नहीं दिया? 67 सत्ता तो उनकी थी ना, कांग्रेस की, जब ही क्यों नहीं OBC को दिया उन्होंने? खाली बातें करते हैं, उनको माल को अपने को देना नहीं है, कंट्रोवर्सी निर्माण करना वही कांग्रेस का काम है। कांग्रेस कह रही है कि इसमें 10 साल लगेंगे महिला आरक्षण विधेयक, उनको कि 39 तक का प्लानिंग है इस तरह का, बीजेपी 29 तक हो जाएगा।
राज्यसभा सांसद है उनको इवेंट और भारतीय जो हमारा संविधान है उनके अंदर जो प्रोविजन है उनके ज्ञान नहीं है। आज महिला जो विधेयक है वो प्रोसेस जिस तरह से किया संविधान के मुताबिक किया और संविधान के मुताबिक मंजूर भी हो गया। अभी उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने में वक्त लगने वाला, ये इवेंट नहीं बोलते इनको, ये रास्ते में होता है इवेंट, उनकी पार्टी के लोग करते हैं ना वो इवेंट लोगों को चिट करने का। सर संजय राउत ने कहा है कि जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं वो एनडीए कमजोर है, अभी एआईडीएमके अलग हुआ है, 2024 में भाजपा भी टूट जाएगी। आप ऐसा आदमी का नाम लेके हमारा दिन खराब कर रहे हैं। अभी खाना खाने को जा रहा था, साथी रहे वो तो पहले तो आपके साथी रहे वर्षों, हमारे साथी कभी नहीं, वो लिखने का काम करने का, वो पगारी नौकर था, वो सामने में आया नौकरी के लिए है, हमारे साथी भी थी नहीं, साथी में नहीं है, मगर शिवसेना में था जब वो सामना में लिखने का काम कर। सर लेकिन अभी एआईडीएमके अलग हो गया है, देखिए चुनाव जब घोषित होगा तब तक अभी ये जो इकट्ठा हुए है ना 36-37 जो भी पार्टी है उसके इलेक्शन जैसा घोषित होगा उसका अलग अलग पार्टी में जितने पार्टी है उतने जन चुनाव खड़े लड़ेंगे कि हर जन का झगड़ा होगा, हमें 5 चाहिए 10 चाहिए 50 चाहिए बांटेंगे कितना। लेकिन सर बीजेपी में भी देखते हैं एक सवाल।